तो हमने सोचा रमजान से पहले एक्स्ट्रा कपड़े भी निकाल देते हैं और रूम भी सेट कर लेते हैं। इस वक्त शाम होने से पहले ही सारे कपड़े जम गए हैं अलमारी के अंदर और पूरा ये खाली हो गया। बस हमें इसे पूरा सेट करना है आज ही के आज, तो आज हम ये कर लेंगे और मार्केट भी जाना है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सब के जहाँ मैं आप सबका स्वागत हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ करते हैं रमजान सब एकदम ठीक है। और जो लोग हमें बाहर से देखते हैं आप सबको रमजान मुबारक, वहाँ पे आपका आज पहला रोजा होगा और आज हम रमजान की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कल से रोजा स्टार्ट है। आपको क्या करना है, आपको हम सबको दुआ में याद रखना है, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। तो चलिए रूम क्लीन कर लेते हैं, रूम में अच्छी सी जगह कर लेते हैं ताकि इबादत करने में और सारी चीजें करने में बहुत आसानी रहेगी। फिर जो भी करेंगे, अभी ग्रोसरी शॉपिंग भी करना है और कुछ कुछ और चीजें भी करनी है, तो जो भी करेंगे वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। सफाई करते करते फ्रेंड्स 1000 रुपए मिले, मैंने कभी डाल दिए थे, कितनी खुशी होती है। भाभी ने हमें ये लैम्प दे दिया तो इसे हम यहाँ पे रख देंगे। देखो हॉल का न्यू लुक, सोफे सेट डाल दिए क्योंकि इफ्तार के लिए यहाँ पूरी खाली जगह चाहिए। चटाई क्यों, ऐसे क्यों लोग आ रहे हैं क्या? अंदर वाले रूम का करेंगे नमाज के बाद मगरिब की, बस मगरिब का चांद देखने वाला है, रमजान स्टार्ट होने वाला है, फिर आप सबसे सलाम कर लेना ठीक है। वालेकुम सलाम बच्चे, तो ये भी मुबारक हो बहुत बहुत। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम सब की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। हम सब बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि हमें ये रमजान दोबारा देखने को मिला। जो लोग नहीं देख पाए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, दुआ करें, सब खुशी खुशी इबादत करें, अच्छे से बस सब रहे। सबको रमजान मुबारक हो, अल्लाह पाक सबको दे मालिक, सबको रोजा रहा, सबको रमजान मुबारक, सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको रमजान मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आप सबको दिल से। अस्सलाम वालेकुम, सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक। फ्रेंड्स अभी नहाने गई थी इसलिए इसने अभी सबको विश नहीं किया, तुम भी सबको विश कर दो। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमजान मुबारक। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे मार्केट, तो जो भी हम खरीदेंगे वो तो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते, पहले रेडी हो जाते हैं उसके बाद चलते। चलो रिजा आउटफिट तो चेंज कर लिया, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो ही दिखे, फ्लॉलेस दिखे, लेकिन उसके लिए हमें फाउंडेशन लगाना पड़ता है और मोस्टली अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो उससे हम क्या हो जाता है, हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है और एक आर्टिफिशियल सी लेयर दिखने लगती है। मामर्थ ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ग्लो सीरम फाउंडेशन निकाल के। फ्रेंड्स ये हमारे स्किन को 2 गुना ज्यादा इंस्टेंट ग्लो देता है, साथ साथ हमारे स्किन को हाइड्रेटेड और इवन टोन भी दिखाता है, ड्राई और पैची भी नहीं दिखाता और 12 आवर्स तक स्टे करता है। इसमें 7 डिफरेंट स्किन टोन्स के हिसाब से अलग अलग शेड्स आते हैं, मैं अपने स्किन टोन के हिसाब से लगा रही हूँ, बाकी आपको बाद में बताती हूँ। हमारे स्किन में देखिए कितने इजीली मर्ज हो जाता है, हमारे स्किन को बिल्कुल भी ड्राई और पैची नहीं दिखाता। सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसमें स्किन ग्रोइंग प्रॉपर्टीज भी है, इसमें विटामिन सी और टर्मरिक भी है। और फ्रेंड्स आप इसे डेली बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये एकदम मेड सेफ सर्टिफाइड है, इसमें टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है। स्किन पे बहुत ज्यादा लाइट है, यूनिक लाइट वेट सीरम फॉर्मुलेशन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, सारे स्किन टाइप को सूट करता है, 12 आवर्स तक स्टे भी करता है, तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन में 7 डिफरेंट शेड्स आते हैं हर स्किन टोन के हिसाब से, तो आप अपने स्किन के हिसाब से ले सकते हैं। रेडी हो गई हो, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताना चाहती हूँ। मैंने कहा इसमें स्किन ग्रोइंग प्रॉपर्टीज है। फ्रेंड्स ये बना है विटामिन सी से, जो एक बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है और हमको अच्छे से ब्राइटनिंग सा लुक देता है। टर्मरिक भी है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, हमारे स्किन को एक नेचुरल सा ग्लो भी देती है। चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसी शॉपिंग में थकोगे तो नहीं, क्यों नहीं थकेंगे, मतलब बोला नहीं। नहीं तक ग्रहण रेडी हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि मामर्थ के प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में इनका एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो आपको ऑर्डर वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जो कि उन्होंने प्लान किया होता है 2025 तक मामा अर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। मामर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की जिसकी iOS और एंड्रॉइड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाके आपको डाउनलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो भी नए ऑफर्स आएंगे आपको उसका अर्लीस्ट मिलेगा, जिससे आप ज्यादा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो आप इसे Amazon, Flipkart, Nykaa, मामर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हो। आप मामर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज करोगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए, जो कि सबा 2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। शाहरुपी आगे बैठेगी, शाहरुपी आगे बैठेगी, शाहरुपी अच्छे गाने लगाती, फिर याद आया अब रमजान आ गए, नो गाना, नाच सुनेंगे। रेहान धीरे बंद किया कर, दिल पे लगती है इतनी जोर से बंद करता है। तो सबसे पहले हमें लैम्प के लिए बल्ब लेने थे और कुछ सेल लेने थे, हमने वो सारी चीजें ले ली हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ गए अभी गद्दे की शॉप, यहाँ से हमें लेना है गद्दा।
गद्दा हमने कार में रखवा के संतोष भैया के साथ घर भेज दिया है। हम निकल गए ऑटो में, वहाँ पे पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है और साथ साथ भैया को भी फिर लेट हो जाता है, तो हमने कहा हम ऑटो से चलते हैं क्योंकि हमें शॉपिंग में टाइम लग जाता। हम लोग आए हैं मार्केट रिजा के लिए शॉपिंग करने। प्रियान पहले शॉप पे पूछ लो कब तक खुला रहेगा, उसके बाद खाएंगे पानी पूरी। अरे जो जरूरत का वो देखना, वाइप वाले ज्यादा लो यार, तो जरूरत है ये खिड़की, खिड़की नहीं जो भी है, कौन सी खिड़की है, बैडमिंटन रेहन वो साबुदाना। जीरा पाउडर तो और अच्छा है, फिर ट्राई के लिए छोटी लो फिर बाद में लेंगे। वाली छोटी पिस्तल चाहिए था नहीं, नहीं। गुड बॉय, जल गया। तो फ्रेंड्स हम लोग ग्रोसरी लेके आ गए थे और इस वक्त बज चुका है 12:40। सहरी तक नहीं सोएंगे, आज पहली सहरी है, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सामान हम जो भी लेके आए थे अभी हमने यहाँ पे रख दिया है। एज यूजुअल अपना स्कूल का कुछ बना रही हूँ क्योंकि स्कूल का न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और रेहान यहाँ इंतजार में बैठा है कि वो आज रात भर खाएगा। आज जैसे पहली सहरी है तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो आज अगर हम लोग रात भर भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन कल से हम लोग हर चीज टाइम पे करेंगे और ध्यान रखेंगे ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और रोजे में हमारा पेट भी अच्छा रहे, वो भी ध्यान रखना है, कोशिश यही करना है। हाँ, रेहान का हमेशा एसिडिटी या पेट का दर्द होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं होता, मुझे तो प्यास भी नहीं लगती है। फ्रेंड्स 3:15 बज गया है, आज ये सहरी में खा रहा है मैगी। रेहान इट इज वेरी अनहेल्दी, पता है, लेकिन बहुत टाइम बाद भी खा रहा हूँ, एक महीने आज अब कल से हेल्दी चीजें। फ्रेंड्स अभी घर वाले सारे लोग सो रहे हैं और हम तीनों तो जाग ही रहे थे। सहरी का टाइम जो है वो 5:07 तक ना रेहान, 2 घंटे हैं लेकिन भूख लग रही है तो हम लोग अपना आ गए बनाने। तो समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं, तो मुझे भाई ने कह दिया पराठे बना दो, पहली सहरी में तो पराठे बनते थे, मैंने कहा ये सही आइडिया, मैं भी पराठे खाऊंगी। आप लोगों ने क्या खाया पहली सहरी में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम क्या खाओगी? मैं चाय ब्रेड या पाव। इतने दिनों बाद पहला रोजा रख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा रोजा रखने के बाद दिन में खाना याद है, इसलिए जो मन कर रहा है खा लो। तो सबसे पहले हमने ये पराठे का आटा ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे। रेहान के यूपी नूडल्स रेडी हो गए हैं, चाट भी रेडी हो गया, बस सूख रहा है, काफी अच्छा बनाया है। अभी आटा गूंद गया है और अभी हम जल्दी से चल के पराठे बना लेते हैं। ये तो पूड़ियां लग रही हैं। फ्रेंड्स इतने सालों बाद नहीं, बहुत महीनों बाद पराठे बना रही हूँ, तो अंदाजा ही नहीं मिला साइज का, लेकिन ठीक है छोटे छोटे ज्यादा बना दो, एक ही बात है ना फ्रेंड्स। अरे फूला हुआ पराठे, रेडी हो गए हैं, अभी हम जल्दी से भेज देते हैं रिजा, जल्दी से देके आ जाओ। चाय भी बन रही है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इलायची और अदरक की। चाबी ले जाते, चुक्कल ही डरा देता है ये, चाबी क्यों नहीं लेके गए। ये मेरा पराठा मैंने थोड़ा सा बिगाड़ दिया, सही से नहीं बना, ये अम्मा का पराठा, बाकी कोई पराठा नहीं खा रहा है, खाना भी उठ गई है और ये लोग खाएंगे रात में जो अंडे बने थे उसी के साथ रोटी। पहले कह रही थी कि मैं मैगी खाऊंगी, रेहान ने भी खा ली, अब मैगी नहीं बना रही, सिर्फ चाय ब्रेड लेगी, इतने में कैसे दिन भर हो जाएगा। पराठा दे, पराठा हमने कहा बना दे, कह रही मुझे हैवी लग रहा है, दो बनाना खाओ आगे ले। आज ठीक है, उसके बाद भूख रहेगी तो खा लूंगी। तहज्जुद की भी नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम लोग हमेशा इसकी लाइव फोटोज देख लेते हैं। अल्लाह अरे यार अल्लाह रेहान बंद कर दे, प्लीज मत दिखाओ, बंद कर दो। क्या बोल रहे, कटर वीडियो भी नहीं देख सकता कि बोल दे मिस यू कटर। फ्रेंड्स सहरी में मैं खाऊंगी पराठे, दही और Only 1 minute is left. अच्छा, 1 मिनट और बचा। हाँ।
फजर हो गई है, अभी सो जाते हैं, आपसे सुबह उठ के मिलते हैं। 1 बजे हम लोग सो के उठे, जोहर का टाइम हो गया है, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे। चलिए कल रजा के लिए बहुत सारी शॉपिंग की, क्योंकि इसके पास ना ऐसे रमजान वाले कपड़े नहीं थे, सारे ऐसे वन पीसेस थे। कलर भी कितना अच्छा, हाँ, इसके नीचे ये प्लाजो या लेगिंग्स जो भी पहनना है वो पहन ले। प्लाजो एक ब्लैक सब में चल जाता है, ये एक पिंक प्लाजो। इतने सारे लेके आई हो, अच्छे घेर वाले भी हैं ये, इतने प्लाजो बहुत सारे कुर्ते में चल जाएंगे। एक ये शॉर्ट दिला, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्लाजो के नीचे पहन सकते हैं ना। अच्छा है ना, बहुत ये साइज के जो भी शॉप में थे मैंने सारे दिला दिए। ये भी है, हाँ वैसे कुर्ते अच्छे, बहुत अच्छे पैटर्न, बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चों टाइप भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे सूट कुर्ते क्यूट लग रहे थे। और अभी तो बहुत अच्छे, तो फ्रॉक है लखनऊ वाली जैसे कढ़ाई का है ना, इतने सारे लेके आ गई हो। ये मेरा है, ये कुर्ता है शायद ना, ये भी है तुम्हारा, पहले इसने एक बार ब्लैक जैकेट वाला पहना था ना, ये कोटी है बस अभी है, अभी क्या कर रहे हैं, ये लास्ट है, हमारे नाप के भी है सब, लंबे लंबे सब ट्राई करा के ला रहे हैं, क्योंकि वो टाइट होते हैं तो अच्छे नहीं लगते। अच्छे लग, कौन सा आज पहनूं पहले ये बताओ, कितने सारे हैं देखो तो, स्टॉल्स है ना, हाँ रखे हैं। नहा के आ गए, कैसा जा रहा है पहला रोजा? अभी तो कुछ नहीं, मतलब प्यास भूख लग गई, अब देखते हैं शाम के टाइम में क्या है। नमाज पढ़ ली? हाँ अभी बस जा रहा हूँ। ये सारी चीजें जो हम कल लाए थे उसे किचन में सेट कर देते हैं, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी कल करने का। ये पानी का जो बर्तन है हम वो लेके आए, हमने उनसे बोला था कि ट्रांसपेरेंट दो, उन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंट अब नहीं आता है, तो नीला आता है, तो हरा आता है, उनके पास हरा था तो हम ये लेके आए, क्योंकि वो काफी पुराना हो गया तो थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। ये अभी जब रिजर्व पानी खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये उनको बोलना। ये चॉपिंग बोर्ड लेके आए थे, हमारे पास ये था नहीं, शायद प्लास्टिक का था हमारे पास। ये बॉटल्स हो गई, ये इफ्तार की चीजें रखी है, चने गले हुए, और ये दाल ये शाम को बनेगा। रेहान पूरी दुकान उठा लाया है, अरे तलने वाले, ये तो सबको पसंद, ये तो सबको पसंद, सबको पसंद होते, ये तो मतलब पूरे हमने को सबसे ज्यादा पसंद मदा से देखे, हमें लगता है अमेरिका लंदन तक हर एक के घर में। आसीनी फोल्ड करो, बड़े हो गए शानू भाई के कुर्ते पहनने लगे, माशाल्लाह। सब्जी काट और हटा देना, और नई चाकू भी लेके आए हैं, छोटा रखना है तो ऐसे में रख लेना। ये कढ़ाई है, पनीर बना के रख दो, पनीर रख दो, दाल रख दो, ये एक में गुल गुल, एक में चने, भगवान क्यों रखो, इसमें कोई मिठाई हो रख लो, अब जो जो बनाएंगे वो रख लेंगे। तुम्हारी तो बरकत हो गई शुरू में, ढेर सारे कपड़े पत्थर जैसे लग। लोगों ने वो जो आईकिया का सामान देखा है ना, जो हम लेके आए थे, उसमें कभी ये है कुछ, ये सब बहुत हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, सिल्क का पत्थर होता है ना गांव में, हाँ। वो तो वैसे ही लग रहा है, रखने वाला है, चाकू भी है ये, और चाकू रखने वाला भी है। लेकिन आवा को मत देना भैया, आवा हाथ ना काट ले, तुम अपने पुराने से ही काट। तलवार कितना अच्छा लग रहा है, कबाब या कोई चीज बनाएंगे तो इसमें प्लेट थी वो काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी, उसमें निशान निशान लग गया था, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि वो डिनर सेट प्रॉपर ले। और ये व्हाइट हमें कल दिख गई थी तो हमने ये व्हाइट ही ले लिए, मैक्रोनी पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए मैक्रोनी बना देंगे। लाइट है हमने रमजान में लगाते हैं ना लाइट, काले वाले कल तुम्हें पसंद थे ना, मिले थे कल रखे थे वहाँ, हाँ ना लेके खा लेंगे, और छुआ रखे खाओ, ये सिर्फ हमारी पसंद है। ये पराठा वाला बहुत पुराना हो गया, वो टूट भी गया था, मैं उस एक साल से जोड़ जोड़ के रखती रही हूँ, गुड़ नहीं, सब लोग शक्कर के गुलगुले हमें पता है खाते, बहुत कम गुड़ खाते, लेकिन हम गुड़ के खाते, गुड़ के बनाओगे तुम नहीं, सबकी लगी गई यार, गरी और वो सौंफ, और तो आप जब बनाना तो बता, सब डाल के बनाते हैं, तो आप जब बनाना तो बता दे, ठीक है। कितना बड़ा साइज है देखो ये, इसके बगैर तो ये नहीं, तो अवतार में कुछ भी नहीं समझ लो, इतना इसको देख के ऐसा लगता है, ठंडक सी मिलती है, जो पुरानी चीज होती है उसका कोई जोड़ नहीं है। इमली की चटनी अम्मी खट्टा बना के फ्रिज में रख देते हैं, ताकि फिर यूज करते हैं, कम है वो पानी, चलो हटा दे। ये आप ओट्स खाती हो ना? हाँ ओट्स शहरी में सत्तू है, अच्छा कुछ भी नहीं हो घर पे, पर ये दो चीज होना जरूरी होता, एक चने एक दाल। अब कोई कोई सानू वो खाता है, वो मटर का वो क्या बोलते है, रगड़ा बना, हाँ, रगड़ा वो, हाँ। हम लोग को नहीं आता, वो मुंबई का डिश है। फ्रेंड्स ये कपड़े हम ले जाके जरूरतमंदों को दे देंगे। ये फ्रेंड्स हम लोग लेने गए थे कच्चा आम, क्योंकि आज कटहल बन रहा है और उसमें कच्चा आम डलता है। मसाला भुजा तल के रखा है, ये बल्ब कैसे लग रहे? अच्छे लग रहे, अच्छे ना,
फिर हम बाजार आ गए। अम्मी को ऐसा वाला खरबूजा बहुत पसंद है तो हमने सोचा हम ये चल के ले लेते हैं। और फिर हम ऑटो से ही आ गए, कार हम भूल ही जाते हैं। अम्मी की फेवरेट चटाई और अम्मी का फेवरेट खरबूजा लेके आ गए। रिजा ने आउटफिट पहन लिया है, कितनी अच्छी लग रही है। और फ्रेंड्स पता है ये रूम हमने जो खाली किया है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करेंगे, एक सिटिंग टाइप का ऐसा बनाएंगे। सर की नमाज भी हो गई है, अम्मी पढ़ रही है तस्बीह, बेटी खाला भी तस्बीह पढ़ रही है, रिजा अपना स्कूल का भी पढ़ रही है, साथ साथ स्कूल का भी देखते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर से इफ्तारी की तैयारी करेंगे। अभी भाभी आई थी, उबर रही है, वो भी बना रही है। यहाँ पे भी पहले से तैयारी हो गई थी तो आज बहुत सारी इफ्तारी हो जाएगी। अम्मी सो रही हो? ले आए आपकी दो चटाई, अब खुश? खुश। चटाई पसंद है? आप कभी कारपेट नहीं डालने देती? बहुत पसंद है मुझे, शुरू से मुझे चटाई पसंद है, पापा से मंगवाती गई थी। अच्छा, अरे लाइट शेड से डालो बेटा। और आ गया है गुलगुले बनाने का टाइम। तुम बोल रही थी ना, इसमें थोड़े से खारे मिलाएंगे, भोपाल में मिलाते हैं। हम लोग भोपाल में रहते थे ना तो वहाँ पे तो ये मैंडेटरी था कि दाल और पापड़ और बूंदी, और वो बूंदी के साथ अम्मी क्या नमकीन वाले खारे, दाल चूड़ा से उसमें पूरा मिक्स करके चीज है। यहाँ वहाँ भोपाल में फेमस है, कुछ यहाँ मिलती है, वहाँ का यहाँ का वड़ा पाव वहाँ लोग मरते हैं। अभी अम्मी की ड्यूटी है फ्रूट्स कट करने की। हाँ सर, मेरी ड्यूटी रहती है। अभी और भी करवा के आई हूँ, मैं कटहल बना के आई हूँ, प्याज काटी भजे करवाती हूँ काम में। नहीं तो लोग कहेंगे बस फल काटने का आसानी करती हूँ। अभी खा लाए थोड़ा आराम, जब खा ले तो पूरा काम करती हूँ। बस हम लोग ऊपर से सामान ले लेके आते जा रहे हैं। अभी अम्मी भाभी ने आपके वाले गुड़ के गुलगुले बनाए। तरबूज खाता था, तरबूज खाता था, बैठता था, कदे 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 दूर दूर था। तो फ्रेंड्स आज इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। इफ्तार की तैयारी हो रही है, इसके बाद का हम दूसरे व्लॉग में कंटिन्यू रखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।